तीन महीने 26 दिनों में कोरोना जैसी महामारी से ताल और आलोट नगर अब तक अपने आप को सुरक्षित रखने में कामयाब रहा, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन के चौथे चरण में पहुंचा तो प्रशासन द्वारा लॉकडाउन में लापरवाही बरतना शुरू कर दी और ऐसे में कठोर नियमों का लागू करना नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे में आलोट क्षेत्र में बाहरी व्यक्ति लगातार आवागमन चालू रख रहे हैं, जिसके चलते ताल के साथ आलोट नगर में भी कोरोना महामारी अपना पांव पसार चुकी है। ऐसे में नवागत आलोट अनुविभागीय अधिकारी MLRA ने प्रशासन की कहीं ना कहीं चूक और लापरवाही को स्वीकार करते हुए मीडिया को बताया कि हम आगे कोरोना जैसी महामारी से बचाव हेतु लोगों को कोरोना कॉल के नियमों का कठोरता से पालन करवाएंगे, ताकि कोरोना वायरस को अधिक लोगों तक फैलने से रोका जा सके। बाजारों में दुकानदार हों या आम जनता, दो नवयुवक जो हैं इसमें आए हैं कोरोना पॉजिटिव। ये दोनों ही आपस में भाई भाई टाइप के हैं। ये पहले किसी कार्यक्रम में आए थे, इंदौर में रहते हैं ये लोग, लेकिन किसी कार्यक्रम में आने से ये इन्फेक्टेड हुए हैं और कल ही इनकी रात में रिपोर्ट आई है। और अभी हमने कंटेनमेंट एरिया बना दिया है पूरा और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चल रही है। साथ में इन दोनों को हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भेजने की व्यवस्था की जा रही है। कहीं न कहीं हम लोग लापरवाही कर रहे हैं, हम और इसको अच्छी तरीके से आम जनता में इसकी चेतना फैला रहे हैं और फैलाएंगे कि ये आगे नहीं बढ़े।